हेलो एवरीवन अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी वॉम वेलकम वंस अगेन आप सभी का स्वागत है दिस इज द सेकंड सेशन ऑन वर्ब एंड टेंसेस मेरी आवाज आप तक पहुंच रही एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इज एवरीथिंग ऑल राइट गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन बिल्कुल हैप्पी क्या प्रॉब्लम आ रही है गुड इवनिंग खुशी इज एवरीथिंग ऑल राइट ऑल ओके चलो बहुत अच्छे सो so, आज के सेशन में हम जो लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट उसका एप्लीकेशन करने वाले हैं देर आर सम ट्वेंटी क्वेश्चन एंड दैट विल हेल्प यू आउट टू अंडरस्टैंड कि वॉट एवर यू हैव लर्न इन द लास्ट क्लास उसको आप अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं लाइव uh, क्लास में दिक्कत हो रही है आयुष क्या इस वाले बैच में दिक्कत है शैलिस बैच परचेज कर लिया है बाई नाउ का ऑप्शन आ रहा है शैलिस एक बार आप कॉल करके पता कर ले वहां पे कोई दिक्कत नहीं अगर बैच परचेज है तो आपको क्लास दिख जाएगी देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल एक्चुअली जितने लोगों को भी ऐप में दिक्कत अभी आ रही है आपकी जानकारी के लिए ऐप जो है वो अपडेट हुआ है तो आप जाकर के एक बार से फिर उसको अपडेट कर लेंगे सारी चीजें बिल्कुल स्मूथ चलेंगी उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आप दोबारा से एक बार लॉग कर लीजिए एवरीथिंग इज स्मूथ ऐप अभी अपडेट हुई है तो वो शायद थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही हो ठीक है तो क्लास के बाद ये काम आप कर लेना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी बाकी तो मैं बैठा ही हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है वैसे भी टीम से भी कॉल करके चीजें हो जाएंगी बट मैं आपकी जानकारी के लिए यहां बता दूं आ, तो वही वही दिक्कत आ रही है आप ऐप एक बार अपडेट कर लीजिएगा नो प्रॉब्लम एट ऑल फिर वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी चलिए सो विदाउट फर्दर टॉपिक पे आते हैं तो पिछली क्लास में हमने वोब को स्टार्ट किया था और सबसे पहला जो सेक्शन था हमारा वो था मेन वोब का एरिया हमने देखा था कि मेन की जो फॉर्म्स है उनपे हमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें नजर आया कि देर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ आस्किंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब तो जो कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर का एरिया है उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है जहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म और एडजेक्टिव में दिक्कत आती है उससे जुड़े हुए सवाल हैं तो ये सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है आइए वॉट एवर यू हैव लर्न आप उसको अप्लाई करें यहां पे कुछ क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं माई कैट विल डाउन एनी वेयर बट माई डॉग इज मच मोर पिक्की यस नाउ यू हैव फोर च्वाइसेज टू चूज फ्रॉम आप मुझे बताएं ये कंफ्यूजिंग बॉब पेयर्स किस वर्ड के साथ आप जा रहे हैं यहां पे कोई बात नहीं मैं अभी प्रॉब्लम्स देख लूंगा बाद में क्लास के बाद ये लाइव सेशन है इसके बाद देख लेंगे डोंट वरी कोई बात अनन्या आकांक्षा रियल कॉन्सेप्ट जिसको भी दिक्कत है देख लेंगे मैं एक बार अभी टीम से बात कर लूंगा क्लास के बाद आपको वैसे मैंने बता दिया है कि एक बार आप ऐप को अपडेट कर लें कहीं कोई इश्यू नहीं आएगा चले जी ठीक है रियल कॉन्सेप्ट डोंट वरी यहां बताओ मुझे किसके साथ जा रहे हो आप और ठीक ठीक बताना मतलब अपनी भी इज्जत आपके हाथ में है यहां कॉमेंट में <laughs> बेसिक चीजें हैं ये माई कैट विल डाउन एनी वेयर क्या कहने की कोशिश है कि मेरी जो बिल्ली है ना वो कहीं भी बैठ जाती है लेकिन डॉग जो है वो मच मोर पिकी है यानी वो कहीं भी नहीं बैठता देखता है बैठने की जगह कैसी जैसे कुत्ते जहां बैठते हैं जगह साफ करके बैठते हैं तो अच्छी बात है तो विल के साथ आप किसके साथ जाओगे पहले देखो बेसिक फंडे बिल्कुल विल एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद आप हमेशा क्या लेके जाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अब आप यहां पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है कौन से दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर देंगे लेड और लेन तो तुरंत एलिमिनेट हो गए मैं देख रहा था कमेंट सेक्शन में सी भी आया हुआ है नेहा कैसे सी के पास पहुंच गए आप हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि भाई देखो ये आपके दूसरे मार्कर से लिख देता हूं दूसरे कलर से कि लाई ले और लेन ये इस्तेमाल होता है और फिर ले, लेड और लेड ये हमारे करेक्ट वर्ब फॉर्म्स हैं लाई जो है वो इन ट्रांजिटिव है यानी जब आप खुद को किसी को लिटाते बिठाते हो तो वहां ये इस्तेमाल करते हो और ये ट्रांजिटिव वर्ब है ले ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट कि आपने किस चीज को ले किया जैसे आप सुनते हैं मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन तो वहां पे लेट द फाउंडेशन फाउंडेशन स्टोन लेट का ऑब्जेक्ट है अब यहां पे खुद आप देख लो विल लगा है तो पहली बात तो लेड और लेन को हमने बाहर कर लिया ये थर्ड फॉर्म है अब ले और लाई के बीच में लड़ाई है राइट right? अब आप ये भी देख रहे हो कि ले जो है ये फर्स्ट फॉर्म भी है और ले यहां पर भी है और लाई भी फर्स्ट फॉर्म है किसके साथ जाए अब अब यहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहां बिठाने की बात नहीं और ये बिल्ली खुद कहीं बैठ रही है और खुद को कहीं बिठाने के लिए हम क्या यूज करते हैं लाई का इस्तेमाल करते हैं तो वो यहां पे करेक्ट फॉर्म है ए भी इनकरेक्ट है माय कैट विल ले डाउन एनी वेयर नहीं लाई डाउन एनी वेयर वो कहीं भी बैठ जाती है बट बैठ जाएगी बट डॉग जो है वो ज्यादा पिकी है वो कहीं भी नहीं बैठता जब कैट को कोई और कहीं से उठा के कहीं बिठाएगा तो वहां पर आप ले का इस्तेमाल करते हैं ठीक ले का इस्तेमाल कई तरीकों से होता है गॉट इट डोंट वरी राजवर्धन आपने कोर्स परचेज कर लिया है सक्सेसफुल आया है किसी दिक्कत नहीं आती इन जनरल हो सकता है ऐप अप अपडेशन की वजह से कुछ दिक्कत हो वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी डोंट वरी अबाउट दैट दोज थिंग्स आर ट्रिवियल इश्यूज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आप परेशान बिल्कुल मत होएं। ये मैं चाह रहा हूं कि क्लास बीच में डिस्टर्ब ना हो एक रेगुलरिटी बने वो तो वो इश्यू शॉर्ट आउट हो जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट जी सो so, क्लियर हो गया आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए बताओ जो सीखा है उसको ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड प्रैक्टिस दोनों हो रही है इन सेशन में फ्री सेशन है ये इसका पूरा फायदा उठाए बैंकिंग एग्जाम्स के लिए या जनरल किसी भी एग्जाम के लिए बिकॉज ग्रामर इज नॉट गोइंग टू चेंज ट एवर एग्जामिनेशन यू आर राइटिंग टू राइट ग्रामर विल नॉट चेंज फॉर एनी ऑफ दो वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चनेंटल्स तो वही है क्वेश्चन कैसे भी पूछे तो हम अपने फंडामेंटल्स के कॉन्सेप्टअल क्लैरिटी लेते चलेंगे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे चले जी शी सर्टनली ऑल हर कार्ड ऑन द टेबल एट द मीटिंग अब मुझे बताएं किसके साथ जा रहे हैं आप यहां पर करेक्ट चूज करना ये बहुत कंफ्यूज करता है इसीलिए चूज किया है मैंने ये वर्ब्स लेड ले लाई और लाइड पहले एलिमिनेट कर दो देखिए इंग्लिश में यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन राधर देन सिलेक्शन के बजाय ना एलिमिनेशन पे जाओ कि जो कचरा है उसको बाहर करते हैं पहले अब किसको बाहर कर सकते हैं आप आपको पता है लाइड झूठ बोलने के सेंस में था हमने ये बात की थी लास्ट क्लास में कंफ्यूजिंग वर्ब पेयर्स के अंदर यहां पे झूठ बोलने का कोई मामला है नहीं ठीक है और लाई जो है वो खुद लेटने बैठने के लिए होगा और वैसे भी शी के साथ या तो आप पास्ट टेंस में जाओगे या अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो एस सी एस लगना चाहिए आपने उसको भी बाहर कर दिया अब आप ले को अगर देखें ले ऑल हर कार्ड सेम कहानी यहां पे भी एप्लीकेबल है हाँ या ना अब यहां पे ऑल हर कार्ड ऑब्जेक्ट है यानी हमें चाहिए क्या हमें ले लेड और लेड ये वो फॉर्म्स यूज करनी है हाँ या ना क्योंकि ऑल हर कार्ड विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करेगा नाउन फ्रिज पूरा का पूरा ये राइट right? तो अब आपको कॉमन सेंस लगाना है कि क्या हम ले के साथ जा सकते हैं या हमें लेड के साथ जाना होगा भाई ले अगर आप कहते हो प्रेजेंट इंडेफिनेट है प्रेजेंट इंडेफिनेट में शी के साथ वर्ब में एस सी एस लगना चाहिए जो यहां पे नहीं लगा हुआ है सो बी विल आल्सो बी एलिमिनेटेड द करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट दैट इज ए शी सर्टेनली लेड ऑल हर कार्ड्स ऑन द टेबल एट द मीटिंग गॉट इट चले वेरी गुड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हांजी नो बडी दैट ट्री सो इट फेल ऑन द हाउस अब आपको बताया कंफ्यूजिंग वो पेयर हमारे पास क्या था दैट वॉज फॉल पेल फॉलन एंड पेल पेल्ड पेल्ड इनमें से हमें चूज करना है सही सिलेक्शन होना चाहिए आरो इन लास्ट बैंकिंग स्पेशल बैच वी टुक थ्री वीक्स टू कंप्लीट ग्रामर पोर्शन राइट सो दैट डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट राइट कहां पर हो आप कहा अभी कहा एग्जिस्ट करते हो क्या लेवल है आपके ग्रामर का तो वो बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपने पूछा कितना टाइम लगेगा ग्रामर में करेक्ट आंसर की कोशिश हाँ जी अब आप देखें यहां पे नो बडी दैट ट्री ट्री की बात हो रही तो पहले बात तो क्लियर हो गई खुद गिरने की बात यहाँ पे है नहीं खुद गिरने की बात नहीं है तो फेल्ड को आपने बाहर कर दिया फॉल्स को बाहर कर दिया नो बडी फेल दैट ट्री एंड फेल्ड दैट ट्री अगेन अगर आप लॉजिकली देख लें तो आपको समझ में आ रहा है कि भाई हमें ये वाला वर्ब चाहिए और जाहिर तौर पर नो सिंगुलर है सिंगुलर के साथ अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते तो उसका कोई मतलब ही नहीं है आपको खुद दिख रहा है कि ये सेंटेंस में अगला जो क्लॉज है वो पास्ट टेंस में है अगर मैं आपसे पूछूं ये इट किसके लिए इस्तेमाल हुआ है ये ट्री के लिए इस्तेमाल हुआ है आया ना तो ये खुद इट फेल ऑन द हाउस यानी ये वाला फेल कौन सा फेल है ये वब की सेकंड फॉर्म है और यहां पे आपको चाहिए ये वाला फेल्ड कि किसी ने उस पेड़ को गिराया नहीं सो इट फेल ऑन द हाउस इसलिए ये घर पे गिर गया अब सिचुएशन कुछ ऐसी इमेजिन करो आप जिस तरीके से कहीं पर बहुत तूफान आई है भारी बारिश यू नो एंड ऑल अब उसकी वजह से पेड़ कई बार होता है कि पेड़ का एक बड़ा सा हिस्सा जो है वो टूट करके थोड़ा सा गिर गया लेकिन अब क्या है कि अगर वो थोड़ा सा टूट के गिरा है तो हो सकता है कि वो पूरा गिर जाए अपने ही बोझ से घर पे गिर सकता है वायर्स पे गिर सकता है तूफानी बारिश में सब आपको देखने को मिलता है तो वही चीज लिखेगी अगर थोड़ा गिर गया तो उसे गिरा दिया जाना चाहिए था बट नो दैट ट्री लेकिन किसी ने उस पेड़ को गिराया नहीं इसलिए वो पेड़ खुद घर पे गिर गया सो दैट्स द सेंस आउटर सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द concept बाय रीडिंग द सेंटेंस और उसके आधार पर आप ये कंफ्यूजिंग वर्ब से बाहर निकल सकते हो चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है The baby was so upset that I just beside her and patted her back. Yes. Don't worry, Ananya. I'll speak to the team after the class. I'll share the chat box to the team itself. Don't worry about that. अश्मित सपना राजा आंसर चेक भी करते चलो देखो अब ये पीछे हो चुका है तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए आपके और देखिए बैंकिंग एक्सपेरेंट जो हैं आपकी रीडिंग प्रोसेस बहुत अच्छी होनी चाहिए बिकॉज द कंप्लीट पेपर इज ऑल अबाउट योर पैराग्राफ पैराग्राफ एंड पैराग्राफ यू हैव इंग्लिश यूसेज बेस्ड क्वेश्चन लाइक पैरासिम्बल पैरा ऑड वन आउट यू हैव सेवन टू एट डिफरेंट काइंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हैविंग मल्टीपल क्वेश्चन टाइप्स बेस्ड ऑन ग्रामर एंड इवन फिलर्स एज वेल तो आपका पूरा पेपर रीडिंग स्किल्स को टेस्ट करता है और रीडिंग को बेहतर करने में ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आपको ये समझ में आए वट काइंड ऑफ ट्रांजिशन इज हैपनिंग

एंड पैटेड हर बैग जैसे बच्चे को आप पैट करते हैं थोड़ा सा उसको पैसिफाई करने के लिए वो परेशान है रो रहा है तो अब आप खुद ही देख लें लाई ले और लेन यहां खुद बैठने के लिए आपको बॉब चाहिए और आपको सेंटेंस देख के भी साफ समझ आ रहा है कि ये वॉज में लिख इधर लिखा है साथ ही साथ यहाँ पैटेड हर बैक लिखा हुआ है यानी सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में है और पास्ट टेंस मींस व्हाट आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ यहाँ पे जाना है जो कि इधर ले है सो आई जस्ट ले हर एंड पैटेड हर बैक तो ये चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए क्योंकि वही वाली बात ना ले तो यहां पर भी आता है यो भी है बट दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट यहां पे खुद बैठने की बात है कि मैं उसके बगल में बैठ गया और उसके बैक को पैट किया सो so, ए के साथ जितने लोग हैं वो सही हैं और बाकी ऑप्शन खुद देख लो लेन बिल्कुल नहीं हो सकता राइट लेन बिल्कुल नहीं हो सकता ये थर्ड फॉर्म है सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप थर्ड फॉर्म नहीं लगा सकते और दूसरी बात लाई जो है ये वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है इसकी भी कोई संभावना नहीं है ठीक है क्योंकि यहां पे हम प्रेजेंट में है ही नहीं है आपको पास्ट में जाना है इसकी इंडिकेशन आपको साफ साफ नजर आ रही है अब लेड क्योंकि सेकेंड भी है थर्ड भी है, और ले सेकेंड है तो ये चीजें आपको देखनी थी तो यहां पे हम ए के साथ जाएंगे आइए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टूडेंट्स हैड सच अ रकस डेट द प्रिंसिपल केम इन टू सी वॉट वॉज गोइंग ऑन यस टेल मी ओके अश्मित होपफुली आई थिंक इन अ डे आर टू यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश वी बैच and that is not just about the speaking part uh, that batch has all those essential things that you need to have as in banking aspirant uske bare mein baat karunga definitely chaliye so the students had bataye sahi sahi jawab dena hai yahan pe rise, rose, risen, raise, raised, raised इसकी बात की थी हमने Last में आपका स्कोर कार्ड भी पूछूंगा मैं कोशिश करिए आपका success rate हंड्रेड परसेंट हो स्टूडेंट हैड रेज सच और रकस बात हुई थी हमारी कि भाई राइज रोज रिजन इन ट्रांजिटिव वर्ब है एंड रेज इज ट्रांजिटिव वर्ब रेज टेक्स ऑब्जेक्ट तो भाई यहां पे आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि इधर हम रेज के साथ ही जाने वाले हैड है के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी देखो वही वाली बात एलिमिनेशन कर लो रोज आपको दिख रहा है सेकेंड फॉर्म है इसको हमने बाहर कर लिया ठीक है और राइज uh, बिल्कुल बाहर हो गया इसकी भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है राइज वो की फर्स्ट फॉर्म है हेड के बाद लगेगा नहीं नाउ यू आर लेफ्ट विद रेइ एंड रिजन एंड रेज्ड एंड रिजन दोनों के दोनों थर्ड फॉर्म है अब आपको देखना पड़ेगा भाई हमें ट्रांजिटिव चाहिए कि इन ट्रांजिटिव चाहिए साफ नजर आ रहा है सच रकस इज एक्चुअली द ऑब्जेक्ट So, raised is a right choice out here. C will also be eliminated. Right? So, the students had reached such a ruckus. Asa, students ne, ke principal ko pada ye ke ka, kya ho hai pe? Now, let's move to the next question. The picture was in a big hurry and was crooked. What is the meaning of the word crooked? It's an interesting one. Crooked means. क्रूग्ड मीन्स व्हाट क्रूग्ड मीन्स जहां पे जैसे कोई आप इमेज या फोटो अगर लगाते हो तो वो जल्दबाजी में अगर आप लगाओ ना तो वो क्या होता है वो हिलने लगता है मतलब आपने एक तरीके से उसको जैसे जल्दबाजी में लगाया तो वो बैलेंस नहीं है सो दैट इज कॉल्ड वॉट क्रूग्ड अब मुझे बताओ क्या लग रहा है किसके साथ जा रहे हो सही जवाब लास्ट क्लास में बात हुई थी हैंग्ड का इस्तेमाल आप करते हो फांसी के लिए राइट सो द पिक्चर वाज हैंग्ड इन अ बिग हरी दैट इज इनकरेक्ट वाज हैंगिंग अब देखो यहां पे थोड़ा सा फंडा आपका एक्टिव और पैसिव वॉइस का भी इस्तेमाल हो रहा है सो हैंग हैंग्ड एंड हैंग्ड हैंग हंग एंड हंग राइट सो द पिक्चर वाज हंग इन अ बिग हरी एंड वाज क्रोक्ड तो यहां पे

तो यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो जाने वाली है और आप बी ऑप्शन के साथ जाओगे राइट हैंग भी बाहर हो जाता है और हैंगिंग भी बाहर हो जाएगा तो यू नीड टू डिवेलप दैट लॉजिक लॉजिक के साथ चीजों को तुक्का बिल्कुल नहीं करना यहां पर नेक्स्ट वन

तो यहां पे आप जाने वाले हैं आई हैव लेड आउट आई हैव लेड आउट माय गार्डन इन स्ट्रेट रोज बट दिस ईयर आई एम यूजिंग प्लांटिंग बेट्स सो हैव के बाद वो आपकी थर्ड फॉर्म आएगी वो बहुत क्लियर है और आपको लाइट पता है नहीं होगा लेइंग पता है नहीं होगा लेड और लेन में कंफ्यूजन थी लेन खुद के लिट, लिठाने बिठाने के लिए है तो यहां पे आप लेड के साथ जाओगे लेआउट करना इसी को हम लेआउट भी कहते हैं जब किसी चीज का लेआउट बनाते हो आप That is layout. Now that it's spring, the sun has earlier every day this week. Now that it's spring, the sun has earlier every day this week. Raised, risen, rose, and raised. Correct option is. ट कर लो फटाफट रेज बिल्कुल नहीं हो सकता आपको पता है रेज का मतलब किसी चीज को पूरी तरीके से तबाह करना सो दैट इज नॉट पॉसिबल अगेन रोज इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब इट्स नॉट पॉसिबल रिजन एंड रेज्ड अब बचपन से पढ़ रहे हैं हम सन राइजिंग इन द सन दनराइजेज इन द ईस्ट डेफिनेटली वो मैंने बात हमने ये की भी थी लास्ट सेशन में कि वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है बट अगेन तो सन हैज रिजन अर्लियर एवरी डे दिस वीक इन ट्रांजिटिव चाहिए हमें ट्रांजिटिव वर्ब की जरूरत नहीं है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है वहां पे सो द सन हैज रिजन अर्लियर एवरी डे दिस वीक सूरज उग जल्दी रहा है अथी वाज वॉज बैक इन द एजेस इट्स प्रिटी इजी एवरी वन शुड गेट दिस आंसर करेक्ट वेरी गुड द करेक्ट ऑप्शन इज हैं इतनी बातचीत हो चुकी है अगेन आई आस वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिसंक एक्टिव में है या पैसे में है अब साफ साफ नजर आ रहा है यह भी पैसे वाइस में कोई चोर खुद को तो लटका नहीं लेगा ना तो लोग उसको सजा देंगे तो वॉज हैंग्ड बैक इन द मिडलेज इज राइट सो और किसी के साथ नहीं जाओगे ये ऑप्शन अगेन उसी कंफ्यूजन के लिए है वॉज हैंगिंग बैक नो वॉज हैंग्ड बैक इन द मिडिल मध्यकाल में चोरों को फांसी पर लटका दिया जाता था नेक्स्ट वन द टॉडलर हैज ऑफ द सनडेक टॉडलर यस दैसिव तो यह छोटी छोटी चीजें समझनी है आपको जैसे इफ यू टॉक अबाउट एस एस सी एग्जाम दे आस्क क्वेश्चन बेस्ड ऑन वॉइस एंड डायरेक्शन डायरेक्टली दट द गिवन सेंटेंस इज इन एक्टिव स्लैश स्पेसिवाइस एंड चेंज अकॉर्डिंगली बट इस लेवल पे नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू दैट चेंज द वॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन बट एटलीस्ट यू शुड हैव दिस अंडरस्टैंडिंग दैट वेन शुड बी राइट एनी सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस एंड वेन शुड बी राइट अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस सेंटेंस करेक्ट होना चाहिए द टॉडलर हैज ऑफ द सनरेक तो भाई बच्चा खुद गिरेगा ना और खुद गिरने के लिए फॉल फेल फॉलिंग ठीक है बच्चों की बैलेंसिंग गड़बड़ हो जाती है तो यहां पे फॉल के साथ जाओगे नहीं और बीन फॉलिंग ये तो ऐसे लग रहे हैं जैसे पता नहीं कहां से प्रकाश वर्ष की दूरी से बच्चा गिर रहा है संडे की बात हो रही है यहां पर तो इसका कोई लेना देना नहीं है यहां पर हैज बीन फॉलिंग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्द आएगी जल्द बैंकिंग की भी बुक जल्दी आएगी आई थिंक उस पर काम चल रहा है और कोशिश यह है कि आपको अप्रैल लास्ट तक मैं दे सकूं और जो जनरल आपकी प्रैक्टिस बुक है वो आ जानी चाहिए इस वीक में वी आर होपिंग दैट द टेम्परेचर विल एनअ फॉर द स्नो टू मेल्ट करेक्ट ऑप्शन टेक द हेल्प ऑफ मॉडल वर्ब

The next one is We all watch the space shuttle into the atmosphere. We all watch the space shuttle raising, rising, rises, has risen. शटल राइजिंग इन टू द एटमोसफियर वो खुद राइज हो रहा है अपनी ताकत से ऐसा नहीं कि कोई उठा रहा है राइट right? तो उठते हुए पार्टिसिपियल यूस सो वी ऑल वॉच द स्पेस शटल राइजिंग इन टू एटमोसफियर नेक्स्ट वन द लिंच मॉब द हॉर्स थीफ विदाउट अ ट्रायल द लिंच मॉब द हॉर्स थीफ हैंग्ड हंग वॉज हैंगिंग वर हैंगिंग वेरी गुड दैट इज हैंग्ड, हैंग्ड, लिंच मॉब इज द सब्जेक्ट हैंग्ड हो गया किसको हॉर्स थीफ़ को बिना किसी ट्रायल के सो so, ये तो वही वाली बात कि सिंपल सा फंडा है यहां पे कि वॉज हैंगिंग वर हैंगिंग ये तो लग रहा है कि कोई झूल रहा था तो लिंच मॉब झूल नहीं रही थी <laughs> यहां पे उसने हॉर्स थीप को बिना ट्रायल के ही फांसी पे लटका दिया the noise the students was enough to give the teacher a migraine the noise the students was enough to give the teacher a migraine द नुवाइज द स्टूडेंट रेजड वॉज एन अफ टू गिव द टीचर अन द नज द स्टूडेंट्स रेज्ड वॉज एनफ आई आस्क यू इन टूडेज क्लास एट करियर विल ऐप बैंकिंग स्पेशल में हम ग्रामर प्राइमरी पढ़ रहे हैं तो वहां पर यह समझा है आपने ये किस तरह का क्लॉज या फ्रेज नजर आ रहा है आपको द नाइज द स्टूडेंट रेज वॉज एन अफ दिस पार्ट इज वॉट रेज के साथ दिस इज एन सी ये नाउन क्लॉज है दैट इज एक्टिंग एज एन सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस राइट एंड देन वॉज एन अफ टू वो वॉज के लिए सारा का सारा सब्जेक्ट है कि कौन सी चीज पर्याप्त थी टीचर को माइग्रेन देने के लिए सरदर देने के लिए वो नुआज जो कि स्टूडेंट्स ने रेस किया नेक्स्ट वन द टॉटल हैज ऑफ द बेड अगेन आई थिंक इट्स प्रेटी ईजी हैज हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉल इन एंड फेल ये तो गायब हो गया फेल्ड एंड फॉल इन अगेन कोई जान बुझ के गिराएगा है नहीं हैज़ फेल्ड ऑफ का तो मतलब ही नहीं फेल्ड ऑफ हमेशा किसी चीज़ को करोगे यहाँ बेचारा खुद गिरा है खुद के गिरने के लिए फॉल इन फेल किसी और चीज को गिराने के लिए तो हैज़ फॉल इन ऑफ द बेड बेड से गिर गया अब ये जो नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन हैं ये एक्चुअली

हाथ पैर दोनों का इस्तेमाल करके चलना पड़ता है हनजी करेक्ट ऑप्शंस the drunken drunk friend has drunk drunken another beer and he always comes back from L london laden or loaded with gifts for everyone in the last class i had asked a question to you all that what is the difference between laden and loaded कोई थोड़ा काम करके आया इसके ऊपर क्योंकि तो देखो ये बात तो हमें समझ में आती है कि लेडन का इस्तेमाल हम एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं बट लोडेड का भी तो इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पे होता है ये नो कई बार आप कहते हैं ना लोडेड ट्रक तो वहां भी तो एडजेक्टिव है क्या फर्क है पहले इसको निपटा लो फ्रेंड की बात हो रही है यानी इसके पहले आपको क्या चाहिए एडजेक्टिव चाहिए एडजेक्टिव के लिए ड्रंक का इस्तेमाल होगा और हैज के बाद वो अब थर्ड फॉर्म ड्रंक आ गई तो ये तो क्लियर हो गया यहां पे भी ही ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम लंडन लेडन विद गिफ्ट फॉर एवरी वन सो लेडन का यूज यहां पे आप देख रहे हो कोई फर्क समझ में आया आपको वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन लोडेड एंड लेडन देख लीजिए मैंने वैसे एक्सप्रेशन बोले हैं आप थोड़ा ध्यान देते तो आपको ध्यान में रहता जैसे मान लो कोई चीज आप इस तरह से इस्तेमाल करते हो हैवीली लोडेड ट्रक एक्सप्रेशन कहीं पे इस्तेमाल हो रहा है लोडेड ट्रक कई बार वो बैलेंस गड़बड़ हो जाता है राइट right? सो so, आप देखोगे लोडेड का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से हो रहा है अभी पीछे आप मॉडिफायर्स करके आ रहे हैं ये आपका एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल होता है मींस व्हाट लोडेड विल ऑलवेज कम बिफोर द नाउन जिसके पहले जिसको आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं ठीक है लेकिन कई बार दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है यहां पे लिटरली के लिए नहीं ही इज लोडेड भी इस्तेमाल हो जाएगा बट दैट टॉक्स अबाउट द स्टेट ऑफ दैट पर्सन बट किसी सामान से लदे होने के लिए आप वहां पे यूज कर रहे होते हो लेकिन अभी अगेन आप लेडन लेडन का इस्तेमाल देखें तो लेडन जैसे यहां पे दिख रहा है उसके डिस्कशन के बाद ऑलवेज कम्स बैक फ्रॉम लंडन लेडन विद गिफ्ट या अगर हम इसी ट्रक के साथ इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे एक्सप्रेशन लिख सकते हैं कोई कॉमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करेगा अब जैसे आप इसी को अगर कहें अ ट्रक ट्रक लेडन विद ट्रूट्स राइट तो इस तरह से यह यूज हो रहा होता है तो लेडन वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल आप उसके बाद कर रहे होते हैं जिसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं वैसे आप गाड़ियों में देखते होंगे लेडन वेट यह एक्सप्रेशन यूज होता है लेडन वेट कर्ब वेट यानी लदा हुआ कितना वेट यह गाड़ी उठा सकती थी डिफरेंट टाइप के यूसेज है यहां पर बट बाद वाले में तो आप लेडन के साथ ही जाओगे नेक्स्ट वन सर्कुलर मोल्ड राइजेस एंड एनवेल्स द मास ऑफ मोल्टेन और मेल्टेड ग्लास द फार्मर टॉट मी हाउ टू shear a shorn शीप शी इज नोन टू फॉलो वेल trodden और वेल well trod पाथ वेरी गुड आकांक्षा ये नया चैनल है बिल्कुल इसको थोड़ा शेयर करें आप स्टूडेंट्स के बीच में ये इट्स नॉट जस्ट हेल्पफुल फॉर द बैंकिंग वॉन्स बट इन जनरल एज वेल दीज कॉन्सेप्ट्स आर वेरी हेल्पफुल लॉट ऑफ पीपल गेट कंफ्यूज इन दीज यूसेस सो अ सर्कुलर मोल राइजेस एंड एनवेलप्स द मास ऑफ मोल्टन और मेल्टेड ग्लास सो हे यू नीड एन एडजेक्टिव

और एक शब्द और भी हमने डिस्कस किया था साथ ही साथ ये जरूर ध्यान में रखें शेयर एस एच डबल दिस इज नथिंग बट शेयर स्टुपिडिटी ये कुछ और नहीं निरा बेवकूफी है सो शेयर यूज एज एन एडजेक्टिव इट्स यूज एज एन एडजेक्टिव मीन्स कंप्लीटली अटरली एंड शी इज नोन टू फॉलो वेल आई थिंक यू कैन रिमेंबर दिस कॉलोकेशन एज वेल वेल ट्रॉडन पाथ मीन्स वॉट वो रास्ता जिसपे बहुत सारे लोग चले हैं तो शी इज नोन टू फॉलो वेल ट्रॉड इन पाथ दैट द करेक्ट यूसेज राइट और ये वॉब कहां से आता है ये पैदा होता है यहां से ट्रेड ट्रॉड ट्रॉड डू रिमेंबर दिस वन एंड ट्रॉड इज यूज एज एन एड्जेक्टिव राइट सो ट्रेड मीन्स वॉट चलना यहीं से आता है ट्रेडमिल जो इस ट्रेडमिल का आप इस्तेमाल करते हैं तो वो ट्रेडमिल इसी से आया इसी वॉब से आया हुआ है तो ट्रेड Trod, trod and trodden is used as an adjective. Well trodden path means जिस रास्ते पे बहुत सारे लोग चल चुके हैं यहीं से कई बार इस्तेमाल होता है uncharted territory यानी ये कैसा रास्ता जिसपे बहुत कम लोग चले हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं That's all. What is your score now? Out of these ट्वेंटी questions, कितने सही हुए आपके तो वट एवर वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास मीन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ वर्ब एंड टेंसेज उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहां पे डिस्कस किया है इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी डिस्कसिंग अबाउटिंग कंफ्यूजिंग एरिया फॉर मोस्ट ऑफ दीपल द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मॉडल्स एज वेल सो देर आर डिफरेंट काउट देर विल सॉर्ट आउट ऑल दो अशमित के फिफ्टीन सपना की एटीन ओके आकांक्षा के सिक्सटीन रोहित का पता ही नहीं है कोई बात नहीं सर आई वॉज बिजी इन सॉल्विंग क्वेश्चन आई डेंट काउंट नो प्रॉब्लम रोहित यू नो वाई डू आई आस्क दिस थिंग बिकॉज यू पीपल आर प्रिपेरिंग फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू हैव टू गिव योर परफॉर्मेंस ऑल द टाइम सो एंड दिस इज द वे दिस इज द वे ऑफ योर प्रिपरेशन एज वेल सो वेन एवर यू स्टार्ट एनी टॉपिक क्लियर फंडामेंटल्स एंड बेसिक्स फर्स्ट एंड देन लर्न द अप्लीकेशन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चन and the third thing is what practice those questions in a pressurized situation and for that you need to gauge your performance that's why whenever you are solving questions or this is something that is applicable across the subjects koi bhi subject ki baat kar lo aap अगर आपकी conceptual clarity है उस topic के बारे में और आप जानते हो कि उसका exam में किस तरीके से use होता है Questions आपने solve कर लिए तो अगला तीसरा पड़ाव क्या होता है कि उसको आप थोड़ा सा प्रेशराइज सिचुएशन में सॉल्व करें जिस तरह की चालीस मिनट right? तो ही क्लास को बट ये क्वेश्चन करने के लिए शायद अगर टेस्ट के तौर पर दिया जाए तो इनकी औकात जो है वो पांच मिनट से ज्यादा नहीं थी पांच मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूं मैं राइट तो सामबन जिसके फंडामेंटल्स क्लियर है ये बीस क्वेश्चन करने के लिए दो से तीन मिनट मोर देन सफिशियंट राइट बहुत बेसिक लेवल की बात है बट क्योंकि कंफ्यूजिंग है और मैं YouTube पे चर्चा कर रहा हूं आई नीड टू डिस्कस ऑल्व क्वेश्चन साथ में साथ हम एलिमिनेशन सीख रहे हैं खुद सॉल्व करने के लिए तो दो से तीन मिनट पर्याप्त है राइट right? सो so, और वर्ब्स भी ऐसा नहीं कि बहुत वेरिएशन मैंने किया लिमिटेड ही थे आपके पास हमने डिस्कशन में काफी वर्ब्स डिस्कस किए थे तो इस तरीके से ये ध्यान में रखना है बिकॉज वी नीड टू फ्रेम सेंटेंसेज चाहे हम स्पीकिंग की बात करें राइटिंग की बात करें एंड इफ यू आर नॉट क्लियर विद द करेक्ट यूसेज ऑफ वर्ब फॉर्म्स वो पूरा का पूरा मामला चेंज कर देता है आपको फीलिंग कुछ और आ रही है लगा कुछ और रहे हैं आप और यह बहुत इंबेरसिंग सिचुएशन है इफ यू आर नॉट क्लियर विद योर करेक्ट वर्ब फॉर्म्स यू नो समन इज नॉट एक्सपेक्टिंग अबाउट एनी एक्सपेक्टिंग ऑफ एनी गुड वोकैबलरी आप एक लो फ्रिक्वेंसी वर्ड यूज कर रहे हैं बहुत कम लोग देखा है उस वर्ड को यह सिंपल सेंटेंस के स्ट्रक्चर में इनका इस्तेमाल होता है और अगर हम इसमें क्लैरिटी नहीं रखें तो यह बहुत इंबेसिंग सिचुएशन है तो दैट्स ऑल होगी रीजनिंग की क्लास की भी टाइमिंग अलग अलग है वो आपको पता लग जाएगा सर ने बताया भी होगा राइट right, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या मैथ्स की क्लासेस डेली बेसिस पे होती हैं बट आशीष सर की क्लास आज नहीं हो पाई सम प्रॉब्लम विद द स्टूडियो सर के स्टूडियो में कुछ दिक्कत थी यस बिल्कुल अस्मित यू यू कैन कैन टेक दैट बैच एज वेल देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल चलिए सो दैट्स ऑल फॉर टूडे सेशन थैंक यू वेरी मच लेट्स कैच अप ऑन वेन्सडे एंड विल डिस्कस द फर्स्ट या पहले क्वेश्चन चाहिए क्या चाहते हो पहले सर क्वेश्चन दिखाओ फिर कॉन्सेप्ट अप्रोच अच्छा था वैसे यूट्यूब के लिए यूट्यूब सेशन के लिए वहां से आपको समस्या का एहसास होता है थोड़ा देखता हूं मैं कैसे करना है अगर आप चाहेंगे नहीं सर कॉन्सेप्ट डिस्कस करके तब क्योंकि हम एक तरह से ग्रामर फाउंडेशन सीरीज कर रहे हैं सो कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करके भी कर सकते हैं और क्वेश्चन से भी कॉन्सेप्ट पे जा सकते हैं चले थैंक यू थैंक यू एवरीवान पहले कॉन्सेप्ट फिर क्वेश्चन पहले क्वेश्चन फिर कॉन्सेप्ट चलो मिलेगा दोनों कुछ सब मिलेगा आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच एवरीवन लेट्स अप ऑन वेंसडे टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ कीप लर्निंग एंड कीप राइजिंग थैंक यू